हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। वेल, आज मैं आपके साथ नेचुरल हिना डाई लेकर के आई हूँ, जो आपके बालों को सिर्फ और सिर्फ काला रंग देगी। किसी भी तरीके का आपके बालों में कलर वो नहीं चढ़ेगा जो आप नहीं चाहती। बहुत सारे लोग हिना इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इस डर से कि उनके बाल लाल हो जाएंगे, ऑरेंज हो जाएंगे या पीले हो जाएंगे, वो नहीं इस्तेमाल करती। और साथ ही वो हिना के जो बेनिफिट्स होते हैं वो उससे भी वंचित रह जाती हैं, वो बेनिफिट्स उनके बालों में नहीं मिल पाता जब वो हिना इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो नेचुरल नॉर्मली हिना आप इस्तेमाल करती हैं अपने बालों में, चाहे वो नुपुर का ब्रांड हो या फिर नेहा मेहंदी हो या प्रेम दुल्हन हो या राजस्थानी मेहंदी हो, किसी भी तरह की मेहंदी को आप जब इस तरीके से अप्लाई करेंगे बालों में, तो सिर्फ और सिर्फ आपके बालों में काला रंग ही आएगा। किसी भी तरीके का येलो, रेड और ऑरेंज कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो बोल ले रखे हैं और इन दोनों में ही मेहंदी है। जी हाँ, ये मेहंदी वो है जो मैं यूज करती हूँ, यानी कि मैं नुपुर मेहंदी यूज करती हूँ, तो मैंने इसे एक बोल में निकाल के रखा है। और यही मेहंदी ये है, ये भी मेहंदी है, मतलब ये नुपुर मेहंदी है और ये भी नुपुर मेहंदी है। लेकिन इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस मेहंदी को लोहे की कढ़ाई में डालना है और इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है कंप्लीटली, तब तक जब तक कि कलर इसका चारकोल की तरह ना हो जाए, काला ना हो जाए। ठीक है, जब काला हो जाएगा तो आपको गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और कंटिन्यूस उसे प्रेस करते रहना है, ताकि जो उसमें आग लग रही है या जो आपको रेड रेड सा दिख रहा है वो खत्म हो जाए। जब वो खत्म हो जाएगा तो आपको उस समय तो उसका कलर ब्लैक दिखेगा, ठीक है, हिना का। लेकिन जब आप उसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद जब आप उसे देखेंगे तो आपको इस तरह का कलर मिलेगा। जैसे कि हम अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो राख निकलती है ग्रेश कलर में, उस कलर का आपको ये दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक बहुत कमाल का मुझे दिखा, वो ये कि ये देखने में तो ग्रे कलर का है, लेकिन जब आप इसे इस तरीके से लेते हैं और अपने हाथों में रख के इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। आप देख सकते हैं, इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर में हो जाता है। और ये यही हिना है जो कि मैंने यहाँ पे रोस्ट की है, और कितना ज़्यादा आप देख सकते हैं हाथों में ब्लैक लग गया है। लेकिन बिल्कुल आपके बालों में भी यही कलर होगा, ब्लैक होगा, रेड नहीं होगा, ऑरेंज नहीं होगा और ना ही येल्लो होगा, और मैं विद प्रूफ के साथ आपको ये दिखाऊंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसे पेस्ट बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको अगेन से यहाँ पे लेना है लोहे का वेसल, लोहे की कढ़ाई, कटोरा, जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई ले ली है, और ये जो हिना पाउडर है इसे हम डालेंगे इसमें तकरीबन 2 चम्मच। ठीक है, तो 2 चम्मच आपको यहाँ पे ये हिना पाउडर ले लेना है। इसके साथ आपको यहाँ पे 1 चम्मच आंवला पाउडर भी ऐड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है जटामांसी पाउडर, तो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पे हर्बटॉनिक का ले रही हूं। इसे भी आपको 1 चम्मच लेना है। इसके साथ आपको यहाँ पे 1 चम्मच भृंगराज पाउडर ऐड करना है। इन सभी पाउडर्स को आपको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको इसमें डालना है गर्म पानी। आप चाहें तो कॉफी का पानी या चाय पत्ती का पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने यहां पे सिर्फ वो पाउडर्स ऐड किए हैं जो कि डायरेक्ट हमारे स्कैल्प पे, डायरेक्ट हमारे ग्रे हेयर पे असर करते हैं, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में
आपको इस गर्म पानी को इसमें डालना है। ठंडे पानी में आंवला पाउडर जल्दी से घुलता नहीं है और गर्म पानी में बहुत इजीली ये मिक्स हो जाता है। तो क्वांटिटी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि पैक बहुत ज्यादा लूज ना हो जाए। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पैक यहाँ पे रेडी हो गया है। इस रेमेडी से आपको अपने बालों में किसी भी तरीके का रेड कलर ऑरेंज कलर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये रेमेडी आपके साथ शेयर की। तो मैं यहाँ पे अब आपको दिखाऊंगी कि इससे आपको किसी भी तरीके का कलर नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्लैक कलर मिलेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करी हूँ, फिंगर्स को डिप करूंगी इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए, और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो चलिए इसको वॉश करते हैं और देखते हैं कि कलर कौन सा आता है, क्या कोई ऑरेंज रेड कलर आता है या फिर नहीं आता है कोई कलर, या कैसा कलर आता है। तो यहां पे मैंने नॉर्मल पानी लिया है, गर्म पानी नहीं लिया है, और फिंगर को हम इसमें डालेंगे और वॉश करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा फिंगर यहाँ पे पूरा ब्लैक हो गया है कम्प्लीटली, यानी कि इस हिना से आपको नॉर्मल जो नेचुरल हिना होती है उससे आपको, अगर आप इस तरीके से इस पैक को अप्लाई करेंगे अपने बालों में तो सिर्फ काला रंग मिलेगा और आपको किसी भी तरीके का ऑरेंज रेड कलर नहीं मिलेगा यहाँ पे, ना येलो कलर मिलेगा, बिल्कुल ब्लैक कलर मिलेगा जिस तरीके से आप मेरे फिंगर में देख सकते हैं। तो आप भी इस पैक को बनाइए और जैसे इस्तेमाल करते हैं बालों में, साफ सुथरे बिना ऑयल किए हुए बालों में से आपको अप्लाई करना है अच्छे से, और कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ के रखना है। इसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए, इवनिंग में ऑयलिंग जरूर कीजिए और नेक्स्ट डे शैम्पू कर लीजिए अपने बालों में। जिस तरीके से पैक को मैंने बताया है प्रिपेयर करना, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज आपको वैसा ही करना है। और आप चाहें तो इस हिना पाउडर को, जो हिना पाउडर हम नेचुरली यूज करते हैं, उस पाउडर को आप इस तरीके से रोस्ट करके ज्यादा क्वांटिटी में भी रख सकती हैं। जिन लोगों को बालों में बिल्कुल हिना का कलर नहीं चाहिए वो इस तरीके से यूज करें, और जो थोड़ा सा रेडिश अपने बालों को टच देना चाहती हैं, शाइन देना चाहती हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल हिना का इस्तेमाल करें, या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं कि 1 चम्मच ये वाली हिना लें और 1 चम्मच नॉर्मल हिना लें। पैक को आपको अपने बालों में 15 दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें किसी भी तरीके का ऐसा केमिकल मिक्स नहीं है, कोई ऐसा चीज इस्तेमाल नहीं किया है मैंने जो कि आपके बालों को हार्श करे, बल्कि आपके बालों को बहुत ज्यादा फायदा ही करेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस पैक को बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, अपने बालों में अप्लाई करेंगे। तो इस पैक को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।